अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल मज़े में होंगे। और मैं आज कहाँ आई हुई हूँ? मैं आई हुई हूँ स्मिथ टॉयज़ के अंदर। और स्मिथ टॉयज़ हम आए थे क्योंकि मेरी बेटी की बर्थडे आने वाली है एक हफ़्ते बाद। दूसरा ये कि हमारे जो दोस्त हैं उनके यहाँ दो नए मेहमान आए हैं, एक यहाँ बेटी हुई है, एक यहाँ हुआ है बेटा, तो हमें कुछ उनके लिए भी हम देख रहे थे। दूसरा ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि बर्थडे चाहे बेटे की हो या बेटी की हो, मैं दोनों के लिए गिफ्ट लूँ ताकि जो है वो दोनों एक दूसरे की बर्थडे जो है वो इंजॉय करें। मैं हम अपनी तरफ से नहीं देते, हम उन्हीं की तरफ से वो गिफ्ट देते हैं कि अब ये देखिए ये आपकी सिस्टर ने आपको दिया है उस अपनी बर्थडे के अंदर, और ब्रदर ने जो है वो आपको दिया है। तो इस तरह से हम गिफ्ट दे देते हैं। और अभी एक बड़ी मज़े की यहाँ पे सिचुएशन ये हुई कि हम पता नहीं अपनी बेटी के लिए क्या क्या देख रहे थे, और मेरी बेटी को चाहिए था ये एक छोटा सा स्टफ्ड टॉय अपना एज अ बर्थडे गिफ्ट। तो हम दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो बड़ा हंस रहे थे, इंजॉय कर रहे थे कि हम पता नहीं उसके लिए क्या क्या देख रहे हैं। और उसकी मासूमियत देखिए कि वो एक छोटा सा स्टफ्ड टॉय लेकर आई है कि मुझे अपनी बर्थडे के अंदर ये गिफ्ट चाहिए। बच्चे जो हैं वो बहुत ही मासूम होते हैं। लड़कियों के लिए काफ़ी सारी वैरायटी है यहाँ पे, किचन सेट से लेके डॉल्स, एवरीथिंग, पेट्स, एनिमल, गाड़ियाँ, बसेस, एवरीथिंग इज़ देयर। और उसके बाद बाबी, आई डोंट नो कि बाबी इतनी एक्सपेंसिव क्यों है, और बाबी की एक्सेसरीज, हालांकि मुझे कोई बाबी के अंदर चार्म नज़र नहीं आता। जैसे ये जो सेट अंदर शेल्फ के अंदर रखा हुआ है ये काफ़ी एक्सपेंसिव सेट है उसका। और एक पतली दुबली सी ये डॉल है, कुछ नहीं करती है, सिर्फ एक फैशन डॉल है, नथिंग एल्स इन इट, लेकिन फिर भी काफ़ी जो है वो एक्सपेंसिव है। अब आ गए हैं हम बॉय सेक्शन के अंदर, और बॉय सेक्शन के अंदर जो हम आए हैं वो है लेगो का सेक्शन। काफ़ी हर तरह का लेगो, हर तरह का कंस्ट्रक्शन का जो है वो सामान यहाँ पे मौजूद है। डिपेंड करता है कि आपका प्राइस रेंज क्या है। और ये जो शेल्फ बना हुआ है इसके अंदर काफ़ी एक्सपेंसिव, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा लंदन ब्रिज जो है वो लेगो का है, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। यहाँ पे जो प्राइस रेंज जो इस शेल्फ के अंदर रखे हुए हैं वो 100 pounds से स्टार्ट होकर ऑनवर्ड जा रहे हैं। मेरे ख्याल में 500-600 pounds तक की इनकी प्राइस जा रही है। तो मैं और मेरा बेटा जो है वो रुक के इनको देख रहे थे कि और प्राइसेस देख रहे थे। और पर लेने वाले जो हैं, जो शौकीन लोग होते हैं वो लेते हैं, वो फिर प्राइस नहीं देखते, वो बस देखते हैं कि क्या चीज़ है और कितनी अच्छी चीज़ है। इसमें टॉयज़ का तो काम हो गया है, अब हम जा रहे हैं मटलान ताकि जो है वो न्यू बॉर्न्स के लिए कुछ अगर हमें वहाँ पे कपड़े वगैरह नज़र आ जाएँ तो वो हम वो ले लें, क्योंकि मैंने सुना है कि उनके यहाँ काफ़ी अच्छी जो है वो स्प्रिंग कलेक्शन आई हुई है।
खैर बच्चों में तो यहाँ पे कोई मुझे स्प्रिंग कलेक्शन नज़र नहीं आए, जो रूटीन के कलर्स होते हैं वही नज़र आ रहे थे. फ्रंट ये मैं सिर्फ फ्रंट का कैप्चर कर सकी क्योंकि मैं काफ़ी जो है वो टायर्ड हो गई थी. जहाँ से मैंने पीछे की साइड से जो है वो फ्रॉक्स ली हैं. मैं सारी फ्रॉक्स तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ज़ाहिर है वो मुझे किसी को गिफ्ट देनी है तो वो अच्छा नहीं लगेगा. मे बी आपको दूसरों की प्राइवेसी का भी ख्याल करना पड़ता है. तो लेकिन ये कि वो मुझे अच्छी मिल गई थी. ये जो फ्रंट का हिस्सा है इसके ऊपर कोई मुझे ख़ास चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी. प्राइस मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी. और एक कल मेरे पास एक बड़ा मज़े का कमेंट आया था अमार बेग का. और मेरी जो एक लास्ट वीडियो थी जिसके जिसका टाइटल था कि अकेले जो है वो रहना आसान नहीं है, तो उन्होंने उसके ऊपर एक बड़े मज़े का कमेंट किया था जो मुझे पढ़ के जो है वो बहुत हंसी भी आई. और बिल्कुल जो है वो मैं उनकी बात से एग्री करूँगी कि पाकिस्तान के खाने भी जो है जो आपको स्ट्रीट फूड के खाने भी याद आके ना डिप्रेशन हो जाता है. और वाकई ये सही बात है. तो इसी बात के ऊपर मैं आ गई हूँ शॉप के ऊपर, चिकन शॉप के ऊपर. यहाँ से हम जो है वो चिकन लेंगे. मैंने खाना तो बनाया हुआ था लेकिन अभी हो रही है तो इसलिए जो है वो हमने कहा कि चिकन ले लेते हैं. तो ये मैंने स्मिथ टॉयज से जो है वो न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए लिया है. ये एक सिंपल सा जो है वो बॉयज़ और गर्ल का मैट है जो कि बच्चे इंजॉय कर सकते हैं. और मटलान से मैं सब कपड़े नहीं दिखा रही, मैं सिर्फ एक आपको फ्रॉक एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ. ये मैंने जो है वो ली है जिसका कलर और मटेरियल बहुत ही जो है वो मुझे अच्छा लग रहा था. मैंने ऐसे जो है वो 3-4 ड्रेसेस. और ये मेरी बेटी के गिफ्ट हैं और कुछ जो उस साइड पे हैं ये मेरे बेटे के लिए गिफ्ट हैं. उम्मीद है अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा. और इजाज़त दीजिए अंटिल द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.